Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है दलबीर सिंह मलिक जी। तो हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, जैसे राम मंदिर का जो फैसला आया उन पे उनका क्या कहना है। राम मंदिर का जो इशू काफ़ी दिन से चल रहा था, तो ये बहुत पेचीदा इशू बना दिया गया था, क्योंकि राजनीति भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी और कुछ ऐसे संस्थान भी इसमें शुरू हो गए थे जिनका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। जैसे अखाड़ों को लगा लीजिए, ठीक है हमारे सांस्कृतिक हैं, लेकिन अब तक वो कहाँ थे, तो उसकी रक्षा पहले से क्यों नहीं हुई अगर वो शुरू से ही थे। तो दूसरा, अब कुछ वंशज निकल के आ रहे हैं, वो कहाँ थे। तो इन सभी मुद्दों पे राजनीति ना खेली जाए, ये एक भावना और सद्भावना का मामला है। और कोर्ट ने जो फैसला किया है वो फैसला काफ़ी हद तक सही है, और ये कोर्ट का फैसला बहुत ज़्यादा ना लग के एक तरीके से भाईचारे का फैसला लग रहा है। जैसे दो भाइयों में ज़मीन बढ़ती है, तो किसी को अगर उपजाऊ ज़मीन चाहिए तो उसके बदले में डबल दे दी जाती है, अगर किसी को फ्रंट चाहिए तो उसको पीछे की साइड में ज़्यादा दे दी जाती है। तो ये तो एक तरीके से फैसला ठीक हुआ है, तो इसलिए हमने देखा कि देश के अंदर कोई एजिटेशन वगैरह भी किसी तरह का नज़र नहीं आया, क्योंकि इसमें सबकी सद्भावना की चीज़ थी, सबको सेटिस्फेक्शन है इस चीज़ का, और ये एक अच्छी बात है। अच्छा सर, जैसे अभी हमने देखा परसों ही एक प्रोग्राम था, जो क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजा राजेंद्र जी, वो कह रहे कि जो भी कमेटी बनेगी उसमें क्षत्रिय समाज के 50% हिस्सा होना चाहिए। मगर इतने दिनों से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पे विवाद चल रहा था, जब तो कहीं नज़र नहीं आया इस चीज़ का, और जैसे ही फैसला आ गया तो अलग अलग से लोग आने लगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो, एक तो ये जो आपने नाम लिया राजा राजेंद्र सिंह, तो पहले तो हम ये जानना चाहिए हम सब लोगों को कि भाई राजा कहाँ के हैं, वो कहाँ के थे। अगर ठीक है, अगर ये अपने आप को वंशज बताते भी हैं, तो आज तक ये विवाद ही क्यों पड़ा, वो लोग वहाँ रहे क्यों नहीं। ठीक है, कश्मीर का तो हम समझ लेंगे कि भी वहाँ से हिंदुओं को नकार दिया गया, निकाल दिया गया, तो इनको वहाँ अपनी ज़मीनें अपनी जायदाद संभालने में क्या प्रॉब्लम थी। तो अब ये कहीं जैसे दिल्ली में भी रह रहे हैं, जैसे आपने बताया, तो दिल्ली में रह के फिर इनको अपना जो ज़मीनें थी या जो इनके हिस्सेदारी थी, तो उस पर विराजमान होना चाहिए था। क्योंकि जब इस तरह के इश्यूज़ लग जाते हैं, अब देखिए बाबरी मस्जिद कभी बाबर आया होगा तब बनी होगी, और बाबा एक अक्रांता था इस देश के लिए, वो कहीं का राजा नहीं था, उसने कोई चढ़ाई नहीं की थी, हमारे देश को जीता नहीं था उन्होंने। ठीक है, अक्रांता थे, आए काफ़ी हद तक चले गए, खुद उनके भी वंशज में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे वंशज से तो वो भी नहीं थे। ठीक है ना, उनके भाइयों ने उनको, उनके बड़ों ने उनको जेल में डाला, तो ये कोई राजा की तरह तो मतलब कोई चीज़ नज़र नहीं आई उन लोगों के अंदर भी। और फिर एक जहाँ हमारी आस्था है, जहाँ हमारा विष्णु की संज्ञा दी जाती है राम को, विष्णु की संज्ञा, विष्णु थे, राम विष्णु थे, ये हमारी आस्था का क्वेश्चन है, और इसके ऊपर हम किसी आक्रांता को लेके उसकी उससे उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पूजा स्थल जो होता है, कोई हमारे ईश्वर रहे हैं, हमारे भगवान रहे हैं, हमारे देवता रहे, ईश्वर मतलब पूजा स्थल को ही तोड़ दिया जाए और उसके ऊपर अपनी पोजीशन स्थापित कर दी जाए। औरंगजेब को देख लो, उन्हीं के वंशज से थे, बहुत सारा कन्वर्जन किया, और इन लोगों में भी हमारे बहुत सारे लोग हमारे भाई बंदी हैं। तो अगर अगर हम DNA भी आज टेस्ट कराएं तो वो भी मैच करेगा। तो इसमें कोई खास फर्क एक ह्यूमन बीइंग में होता नहीं है, जो कि कास्टिजम्स को लेके कर दिया जाता है। तो जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इन दावों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दावे खोखले हैं, सरकार को इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए।
और इसमें जो भी कोर्ट ने फैसला किया है और उसको स्थापित करना चाहिए, उस सिक्योरिटी बेसिस को लगा लीजिए वहाँ, जिस भी तरीके से स्थापित हो, क्योंकि मस्जिद को भी जगह दी गई है, ठीक है ना, उसको हम बाबरी ना नाम दे के एक मस्जिद का नाम दें और उनके पैगंबर मोहम्मद का नाम लें, क्योंकि उसका कंपैरिजन राम से हो सकता है, बाबर का नहीं। अच्छा सर, ये तो हुआ राम जन्मभूमि के ऊपर, तो हम बात करते हैं अब जो दिल्ली सरकार है हमारी, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, आप भी दिल्ली में रहते हो, तो हर जगह सीवर के नाम से, जल बोर्ड के नाम से जगह जगह जो रोड को खोदा गया, और जो प्रदूषण की भी बात करें, ओडियन जैसे दिल्ली में चल रहा, और जो होर्डिंग की हम बात करें जैसे पेपर में या हर जगह, जैसे डेंगू का या किसी भी चीज़ को लेके लेते हैं, तो उसमें जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके फोटो ज़्यादा नज़र आती है, बाकी चीज़ उसमें नज़र नहीं आता, तो आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के चुनाव को लेके सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये सब चुनावी मुद्दे हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के हैं। ठीक है, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने या बनाए गए, जैसे भी वो बने, ये वो भी जानते हैं और पब्लिक भी जानती है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी तो थे नहीं, फिर भी लोगों ने एक चांस दिया कि चलो भाई अफसर आदमी है। देखो, कोई भी ऑफिसर जो है एक बहुत बढ़िया नेता नहीं हो सकता, ये हमने इनसे जाना, क्योंकि किसी भी इशू को लेके ये सोचते हैं कि खाली होल्डिंग से ही आप लोग चुनाव जीत जाओगे। आप लोगों ने 5 साल में किया क्या है? जगह जगह डब्बे खोल दिए हैं इन्होंने चिकित्सा के नाम से, जो इन्होंने इशू रखे हैं अपने, और मोहल्ला क्लिनिक के नाम से हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम से, ठीक है ना, वो एक भी मुझे तो लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उनमें से, काफ़ी सारों में तो मैं देखता हूँ कि कुत्ते ही लेटते हैं जी। तो जब सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाएंगी और काम नहीं होगा, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए इस सरकार से, सड़क बनाने की तो बात दूसरी है, पानी की व्यवस्था कोई बहुत अच्छी है नहीं। पानी देखिए यूपी से और हरियाणा से आता है दिल्ली में, इन लोगों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है उन स्टेट से, और आगे का कोई प्रोविज़न नहीं है। और कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की बात करते हैं, तो ये तो सेंटर का इशू है दिल्ली के अंदर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी DDA सेंटर के अंडर आती है। अभी आपने कॉलोनी का नाम लिया, उस पर भी एक महाभारत चल रहा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में। दिल्ली सरकार कहती है कि हमने एक कॉलोनी पास करवाई, केंद्र कहती है हमने करवाई, तो आपके हिसाब से किसके द्वारा ये काम किया है? देखो, ऐसा है, अभी तक तो कॉलोनी पास ही नहीं हुई है, ना तो केंद्र ने ही पास की है, और उसमें दिल्ली सरकार का रोल तो उसकी डेवलपमेंट के लिए आएगा। सबसे पहले तो केंद्र पास करेगा, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो मैंने अभी बताया है DDA, तो ये तो सेंटर के अंडर आती है। यानी कि एक पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है चुनाव को, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, इन लोगों ने करना कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। चुनावी मुद्दे हैं, सब झूठे हैं, और झूठ के सारे वोट बटोरने की कोशिश है। अच्छा सर, जैसे हम केंद्र सरकार की बात करें, तो जैसे हम रोज़गार को लेकर या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको लेकर, जो आज की स्थिति है उस पर आप क्या कह रहे हैं? आज की स्थिति देश की वर्स्ट है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके, चाहे वो इकोनॉमी को लेके, क्योंकि इस देश को अभी तक जो ये सरकार, हमारी केंद्र सरकार आई है, पिछले 5 साल भी हमने देखे, और अब भी हम देख रहे हैं, एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर कोई निकल के नहीं आ रहा है इनके पास, कि जो कि सिचुएशंस को और इन क्राइसिस को देख सके, क्योंकि हमने अरुण जेटली जी के टाइम में भी देखा, सिचुएशंस कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, और जो प्रोग्रेस देश की इकोनॉमी जो बढ़नी चाहिए, जो GDP की ग्रोथ आनी चाहिए, वो ग्रोथ नहीं आ पा रही है। कहने को तो ये 5 बिलियन टच करने की कोशिश कर रहे हैं, करने की बातें ही सिर्फ हो रही हैं, लेकिन ये होगा कैसे? ग्राउंड लेवल पे तो काम नहीं है। खेती इस देश में 60-70% इकोनॉमी पैदा करती है, और आज किसान मर रहा है, और आज यूथ मर रहा है। कंस्ट्रक्शन लाइन जो कि 20-30% एम्प्लॉयमेंट पैदा करता था, वो आज बहुत वर्स्ट पोजिशन में है।
किसान के साथ साथ आज कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, उनके ऊपर इतनी लायबिलिटी हो गई है कि वो खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये सब जो अगर चलता रहेगा तो ये जो टारगेट रखे जाते हैं ये कैसे अचीव होंगे। और रही बात केंद्र सरकार की, देखिए सिर्फ राज्यों के अंदर सरकार बनाने से मतलब नहीं होता। अभी हरियाणा में आप लोगों ने देखा, हरियाणा में इनकी पोजीशन अच्छी नहीं आई। 75 की जहाँ कमिटमेंट हो रही थी वहाँ 40 ही सीट आई। और फिर मिलजुल के चलो जो भी सरकार बनी, आखिरी में फिर उन लोगों को महत्व देना पड़ा इनको जो अंदर थे, जिनको इन्होंने टैकल करने की कोशिश की कि हम इनके बिना भी सरकार बना लेंगे। जब वहाँ जो कम्युनिटी ज़्यादा है, अगर उसका चीफ मिनिस्टर हो, मैं आज जाटों को ही बात कर रहा हूँ, अगर उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है और उसका चीफ मिनिस्टर हो तो इसमें इनको प्रॉब्लम क्या है? तो ये उनको बना सकते हैं, इनके पास भी तो उस कम्युनिटी के लोग हैं जी। ऐसा तो हम नहीं कह रहे कि भाई किसी दूसरी पार्टी वाले लोगों को बना दीजिए। अब इनका धड़ा महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ इलेक्शन लड़ा गया और आज सरकार नहीं बन रही है। तो भाई फिर आप लोगों के कोऑर्डिनेशन क्या है? हिंदुत्व की जो आप दोनों साइड से बात करते हो, दोनों पार्टियां, आप लोगों का हिंदुत्व कहाँ है? इस देश की साख पीटने पे लगे हैं नेता, इनको कोई काम नहीं है, इनका अपना स्वार्थ हल होना चाहिए। ये जो चाह रहे हैं वो हो जाना चाहिए। फंडवीज को बनाया गया था 5 साल, तो फंडवीज ने इस सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं किया, अपना वजूद क्यों नहीं बढ़ाया? एक्चुअली क्या है कि जो भी आदमी बनाया जाता है उसको वहाँ बढ़ने देने की बजाय आकाई पल रहे हैं। अब निर्णय जो है वो आकाओं ने लेना है। तो ये आका क्या चाहते हैं, इन पार्टियों के जो आका हैं वो क्या चाहते हैं? लोगों को काम नहीं करने दिया जाता, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा हुआ है हर जगह। वहाँ तो बिहारी और यूपी की भी प्रॉब्लम है कि वहाँ के लोग काम क्यों करने जा रहे हैं। तो देखिए जिस भी, आज दिल्ली की पोजीशन वर्स्ट है, दिल्ली के अंदर किसी भी पार्टी का देख लीजिए, या तो पूर्वांचली उसका अध्यक्ष है पार्टी का, या केजरीवाल को ही देख लो, ये भी दिल्ली का नहीं है। तो दिल्ली से बाहर के, हाँ दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली को चला रहे हैं। क्यों? दिल्ली में लोग नहीं है क्या? दिल्ली की अपनी व्यवस्था नहीं है क्या? दिल्ली के में व्यवस्था अपने लोग नहीं बना सकते हैं क्या? क्या यही लोग, इन लोगों ने ही दिमाग पाया है क्या? और फिर जब ये ढंग से नहीं चला पाते हैं तो फिर ये घूम फिर के वहीं आते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब मैं मनोज तिवारी की बात करता हूँ, ठीक है ना? ये शख्स कांग्रेस से ये जो अपने योगी जी हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा हुआ है और आज देखिए ये दिल्ली का ये अध्यक्ष है। किरण बेदी को लगा लीजिए, ठीक है ना? दिल्ली हरवाई थी उन्होंने, आज राज्यपाल हैं, ठीक है ना? और आप इनको जो इनके पहले प्रभारी थे जब उस दौरान, वो देखिए राज्यसभा में बैठे हैं। तो यहाँ जो मूव चला जाता है, पब्लिक को एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। पिछली बार जो केजरीवाल की 67 सीट आई थी उसको खुलेआम बकओवर दिया गया। हो सकता है इसी बार इनकी यही प्लानिंग हो कि हमने तो बनानी नहीं है, हमारे पास आदमी है तो सही, हाँ घुमाने के लिए, झूठ बोलने के लिए। तो हो सकता है ये इन्हीं को सपोर्ट कर दें, कोई ड्रामा खेल के, जैसे पिछली बार खेला गया था। तो दोबारा भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है, दिल्ली में पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा अच्छा सर, क्योंकि नाटक दिखा के जहाँ वोट लिए जाएं और नाटक कामयाब हो जाए तो वो वजूद पे ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं कह सकते उसको। अच्छा सर, जैसे गुरु नानक देव जी की आज 550वीं जयंती है, उस पे आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गुरु नानक जी ने जो संत थे और उन्होंने जो सेवा भाव जनता के अंदर जगाया, मैं अपनी तरफ से लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उन्होंने जो किया है, सद्भावना की जो उन्होंने जो जागृति पैदा की है पब्लिक के अंदर, वो हमेशा बनी रहे। हम सब भाइयों का सद्भाव बना रहे। अब सिखिज्म जो है, सिक्स जो हैं, अब देखिए हमारी पार्ट हैं, हमारी पार्ट हैं। अब ये मुस्लिम भाई भी जो हैं, ये कन्वर्जन से पहले हमारे ही हिस्सा थे। तो देखो, ह्यूमन बींग गलत नहीं होता, गलत होता है जो लोग अपना
स्वार्थ सिद्ध करते हैं, कास्टिज्म चलाते हैं, कुछ नेता लोग गलत होते हैं, कुछ पार्टियां गलत होती हैं, तो हमें उनको अवॉइड करके हमें सद्भावना के साथ जो गुरु नानक जी ने संदेश दिया है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे 2020 में चुनाव है दिल्ली में, तो आपकी क्या राय है, जैसे कि आप चुनाव भी लड़ चुके संसद का तो दक्षिणी दिल्ली से, तो आप लोगों की क्या तैयारी, आप अपने कैंडिडेट दोबारा लेके आ रहे दिल्ली में? देखिए, हम चुनाव इसलिए लड़े क्योंकि जिन लोगों ने पार्टियों के लिए, अब मैं पहले भाजपा में था आपको मालूम ही है जी, तो जिन लोगों ने मेहनत की उन लोगों को इग्नोर कर दिया गया है। जब ये हर पार्टी में होता है या नहीं, नहीं मैं तरीके बताता हूँ पार्टी बढ़ाने के। जो आज भाजपा की जो ग्रोथ हुई है जी, ये दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़ तोड़ के हुई है, उनको प्रेफरेंस दिया गया और अपने ग्राउंड लेवल पे जो लोग थे उनको इग्नोर किया गया। और अब ये जो मेंबरशिप का जो इनका अभी कंपेन चला जी, तो अब ये सभी को मेंबरशिप फिर से बांटने में लगे हैं जी। तो ज़रूरी नहीं कि जितने मेंबर इनके बने गए हैं उतने लोग इनके साथ हों, ये ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी की क्रीम इनको मिल रही है तो इनकी जो सोच है पार्टी की, मैं भाजपा की बात करूं, क्योंकि भाजपा वो भाजपा नहीं है अब, तो देखो आरएसएस वाली भाजपा है जी। क्योंकि अटल बिहारी जी तक वो भाजपा थी, तो इनको छाछ बिलाने की ज़रूरत नहीं है, दही बिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब दूसरे पार्टियों की क्रीम इनके पास आ रही है तो ये तो उसी का मक्खन बना रहे हैं, उसी को खाया जा रहा है, यानी कि सब कुछ बना बनाया रेडीमेड चल रहा है। और वो रेडीमेड जो चीज़ें होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं, एक पार्टी के लिए तो एक दिन हानिकारक सिद्ध हो ही जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।